हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट बेस्ट एंड वर्स्ट एज गर्ल्स ड्यूरिंग डोम 3 ऑफ स्प्लिट्सविला 14। इस बार डोम सेशन में सारी लड़कियां थी तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी। आप वीडियो में एंड तक बने रहना एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। इस बार फर्स्ट पोजीशन पर हमने रखा है कशिश को। कशिश का आउटफिट काफ़ी ज़्यादा अच्छा था एंड वी हैव टू से इट वॉज़ वन ऑफ द बेस्ट आउटफिट जो अभी तक डोम में पहने गए हैं। उनका आउटफिट शिमरी था एंड काफ़ी ज़्यादा शाइन कर रहा था डोम में। इट वॉज टू पीस आउटफिट, ऊपर क्रॉप टॉप था एंड नीचे पैंट्स थे। देन ऑल्सो हर हेयर स्टाइल एंड मेकअप वॉज ऑन पॉइंट। शी हैव गॉन फॉर डार्क एंड शाइनिंग मेकअप एंड टाइड हर हेयर इन टू बर्न एंड इवन जो उनके इयररिंग्स थे ना वो भी काफ़ी अच्छे लग रहे थे। इट वॉज कॉम्प्लीमेंटिंग हर आउटफिट। सेकेंड पोजीशन पर है उर्फी। उर्फी ना कोट पैंट टाइप आउटफिट पहना हुआ था एंड ऐसे आउटफिट्स को कैरी करने के लिए ना काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस चाहिए एंड शी हैव कैरीड इट वेरी एलिगेंटली एंड प्रॉपरली। एंड उनके आउटफिट का जो कलर था ना दैट वॉज रियली वेरी गुड। लाइक अगर यही वाले आउटफिट का कोई सा और कलर होता ना तो उतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। देन उनका जो नेक पीस था ना इट वॉज कम्प्लीटिंग हर ओवरऑल लुक एंड ऐसे आउटफिट्स पे ना नेक पीस पहनने के लिए भी काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस चाहिए। लाइक इट इज़ नॉट कम्पल्सरी के जो ओवरऑल लुक है वो उतना अच्छा सामने आएगा या फिर नहीं। देन उनका मेकअप भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। शी हैव डन अ वेरी गुड मेकअप एंड इट वॉज ऑल्सो डार्क। देन थर्ड पोजीशन पर आती है आराधना। आराधना का भी शिमरी वन पीस आउटफिट था। उनके आउटफिट की नेकलाइन एरिया पे जो डिज़ाइन थी ना वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही थी एंड इट वॉज गिविंग हर वेरी सेक्सी वाइब्स। देन हर इयररिंग्स वॉज गोइंग वेल विद द ड्रेस। देन उनके आउटफिट के अकॉर्डिंग उनका मेकअप भी अच्छा था। देन फोर्थ पोजीशन पर आती है सौम्या। सौम्या ने रेड कलर का बैकलेस थाई कट आउटफिट पहना हुआ था। उनका आउटफिट भी शाइनिंग मटेरियल वाला था एंड इट वॉज लुकिंग वेरी गुड इन द डोम। देन शी हैव गॉन फॉर लॉन्ग बूट्स एंड फुटवेयर। देन उनका मेकअप भी उनके आउटफिट के अकॉर्डिंग था एकदम। शी हैव गॉन फॉर डार्क मेकअप एंड डार्क रेड लिपस्टिक एंड सम डार्क काजल एंड कैप्ड ओपन हेयर्स एंड उनके ना हेयर्स नेचुरली कर्ल्स हैं। पर ये वाले आउटफिट पे ना उनकी नेचुरल हेयर स्टाइल भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही थी। देन फिफ्थ पोजीशन पर आती हैं आकाश लीना इन हर वन पीस आउटफिट। हर आउटफिट वॉज फिगर हगिंग एंड इट वॉज ऑफ वाइट कलर एंड वह आकाश लीना पे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। देन आकाश लीना ने एज ऑलवेज काफ़ी ज़्यादा पॉइंटिंग मेकअप किया हुआ था एंड इट इवन सूट्स हर। देन सेवेंथ पोजीशन पर है श्रेया। श्रेया ने रेड कलर का वन पीस आउटफिट पहना हुआ था एंड उन्होंने भी काफ़ी डार्क मेकअप किया हुआ था। देन एट्थ पोजीशन पर है पेमा। पेमा का आउटफिट काफ़ी ज़्यादा सिंपल था बट वी हैव टू से कि उनका मेकअप एंड इयररिंग्स वॉज रियली लुकिंग वेरी गुड। देन नाइन्थ पोजीशन पर आती हैं साक्षी श्रीवास। साक्षी श्रीवास का आउटफिट भी काफ़ी अच्छा था पर ड्यू टू सम रीज़न ओवरऑल लुक उनका उतना ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा था। देन ऑन टेंथ पोजीशन वी हैव साक्षी द्विवेदी। उनका आउटफिट भी अच्छा लग रहा था पर बाकियों का आउटफिट उनके कंपैरिजन में ज़्यादा अच्छा था। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। होप आपको वीडियो पसंद आई होगी एंड ऑल्सो गाइज अगर आप मेरी जगह होते तो किसको फर्स्ट पोजीशन पे रखते। प्लीज़ लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू फॉर वॉच।